हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को हो सके तो पूरा सुनना आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे दोस्तों इस वीडियो को सुन लेने से तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर देते हैं दोस्तों और जैसे जैसे ट्राइमेस्टर हमारे बीतते हैं मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते क्या है जो हर महिला में जो फूड की क्रेविंग होती है आप लोग नोटिस कीजिएगा कि फ़र्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर से जो फूड की क्रेविंग है वो थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते बिल्कुल ही चेंज हो जाती है जैसे कि अगर शुरुआती दिनों में यानी कि जैसे हमने कंसीव किया होता है मोस्ट ऑफ़ महिलाओं को नमकीन खाना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि शुरुआती दिनों में जो है हार्मोनल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो मीठे को देख के एकदम से वॉमिटिंग जैसी आने लगती है मतलब मीठे को आप खाओगे तो एकदम से वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं शुरुआती दिनों में और वहीं अगर चटपटा नमकीन हो तो एक बार को वो सब चीज़ें जो है पेट में टिक जाती हैं एकदम से बाहर को नहीं आती हैं तो शुरुआती दिनों में जो है ज़्यादातर महिलाएं जो है वो नमकीन ही खाती हैं बहुत कम महिलाएं होंगी जो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगती है लेकिन बेबी बॉय और बेबी गर्ल का जो डिफरेंस होता है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है कि महिला ने क्या कंसीव किया हुआ है वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा तो आप लोग नोटिस कीजिएगा जिन महिलाओं ने लड़का कंसीव किया होगा बेबी बॉय जिन्हें होने वाला है उन्हें स्वीट्स की ओर मतलब मीठे की ओर इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो जाएगी स्पेशली चॉकलेट आइसक्रीम और स्वीट्स मिठाइयों की तरफ लड्डू कुछ भी मतलब जो बिल्कुल ही एकदम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उसकी तरफ महिला बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और मतलब वो ऐसा इमेजिन करने लगती हैं कि बस मुझे वही चाहिए मिल जाए तो और अच्छा खासा खा भी लेती है जबकि मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि मीठे से जो है बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है वेट गेन कर लेती हैं जिसकी वजह से बाद में मतलब डिलीवरी के बाद उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है काफ़ी क्योंकि वेट को रिड्यूस भी करना होता है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करके लेना चाहिए लेकिन बेबी बॉय के टाइम पर मीठे के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है महिलाओं को ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है लड़का होने का हमारी अनुभवी महिलाएँ बड़े बुजुर्ग सभी यही बात कहते हैं आप लोग भी इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा वहीं अगर बात करें जो अगर गर्भ में बेटी है तो मैं आपको अपनी दोनों बेटियों का बताती हूँ मेरे को फ़र्स्ट मतलब शुरुआती दिनों में तो बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग रहता था तो शुरू में तो मतलब क्रेविंग तो हालांकि मुझे हुई भी नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन जो थोड़ी बहुत क्रेविंग्स थी जो खाने का मैं खा पाती थी वो नमकीन ही रहता था शुरुआत में तो मतलब बस ये था कि काम चलाओ खा लो मतलब नमकीन चीज ही मीठे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था खाने का बट लास्ट ट्राइमेस्टर आते आते मतलब जो टोटली totally मुझे समझ में आता था पसंद आता था वो नमकीन ही होता था फ्रेंड्स स्पेशली हरी मिर्च खाना मतलब वैसे भी नॉर्मल नौ, लाइफ में भी मैं बहुत मिर्च मिर्च वाली चीजें पसंद करती हूँ मीठा भी मतलब लेकिन मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तो प्रेगनेंसी में भी सेम था कि मैं मिर्च वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद किया करती थी फ्रेंड्स ये मेरा अपना अनुभव था साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है, है। अब जान लेते हैं इस बात को डॉक्टर साइंस क्या बोलती है इस बात को लेके तो हमारी साइंस हमारे डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को जिन पोषक तत्वों की जिन मतलब मिनरल्स विटामिन की कमी बॉडी में हो जाती है उसी हिसाब से महिला को जो है फूड की क्रेविंग होती है ये साइंस मानती है बट हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने की महिलाएं इस तरह की बातें कहते हैं तो दोस्तों देखो दोनों तरह की बातें आप लोगों को मैंने क्लियर की हो कुछ भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं कि जो महिलाओं का अनुभव होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम पे सही निकलता है दोस्तों उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग